हेलो फ्रेंड्स, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे जो संस्कृत पढ़ते हैं मुझसे, और थैंक यू, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत की बुक हिमालया, जो चैप्टर है कुछ बच्चों ने पढ़ा है इसको, और जिसका नहीं है उसको मैं पढ़ा देती हूँ। ओके, या ये हमारा चैप्टर हो जाता है शुरू। ओके, ये देखिए, इसमें जो है भारत देश में जो हिमालय पर्वत है, पहाड़, उसके बारे में बताया गया। अश्माकम माने होते हैं हमारा, हमारे देश से उत्तर श्याम दिशी पर्वत राजा हिमालय अस्ति मतलब हुआ हमारे देश के उत्तर श्याम दिशी, उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय अस्ति माने है। अस्य पर्वतस्य श्रृंखला विस्तृता वर्तते, इस पर्वत की श्रृंखला पर्वत श्रृंखलाओं में, इसका नाम बहुत ही विस्तृत रूप से, क्योंकि ये पर्वत बहुत ही बड़ा है, विस्तृत रूप से इसका नाम वर्तते है, विस्तृत रूप से बड़ा विशाल रूप से खड़ा हुआ है। ईशा पर्वत राजा इति कथ्यते, इसलिए इसकी विशालता की वजह से इसको पर्वत राज भी कहते हैं। पर्वत राज मतलब पर्वतों का राजा भी कहते हैं। अयम संसारस्य उच्चतमा पर्वता अस्ति, अयम माने यह पर्वत, कौन, हिमालय की बात हो रही है। हिमालय पर्वत संसार का उच्चतमा, सबसे अधिक ऊंचा, उच्चतमा मतलब सर्वाधिक ऊंचा, सबसे बड़ा पर्वत है। हिम आच्छादिता एषा भारत देशस्य मुकुटम रक्षा कवचश्च अस्ति, ऐसा माने गया है भारत देश का मुकुट के समान है। हिमालय पर्वत जो है हिमाच्छादित है, हिमालय से ढका हुआ है बर्फ से, हिम माने होता है बर्फ, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ है, और ये भारत का मुकुट के समान शोभा देता है हमारे देश में। बहुत विशाल है और मुकुट की तरह से शोभा देता है, शोभा, और रक्षा कवच भी है। रक्षा कवच में ऐसे शेर को हेलमेट से हम लोग कर लेते हैं, शेव कर लेते हैं, उस तरह से कहते हैं कि पर्वतराज जो हिमालय है उससे कोई भी नहीं आ सकता है बाहरी आक्रमण, इसलिए रक्षा कवच और मुकुट के समान है। अनेका नद्या इतः एव निसरति, अनेका नद्या, अनेकों नदियाँ जो हैं इसी हिमालय से निसरति, हिमालय से ही गुजरती हैं, हिमालय से होकर निकलती हैं। नदीशु और नदीशु सॉरी पवित्रतमा गंगा अभी हिमालयात ये प्रवहति, और हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर आप जान लीजिए कि जो हमारी पवित्र नदी, धार्मिक नदी, जिसका पानी नहीं खराब होता है, वो गंगा जल होता है ना, शुद्ध डाल देते हैं कहीं भी सही साफ करने के लिए, वो कहाँ से होकर गुजरती है, इसी हिमालयात, हिमालयात माने हिमालय से ये प्रवहति ही प्रवाहित होती है, वहाँ से गुजरती है, बहती है। प्रवाह माने नदियाँ, प्रवाह बहती हैं, ठीक है। तो नदीशु पवित्रतमा, नदियों में भी पवित्र नदी जो सबसे अधिक है वो है गंगा, वो इसी हिमालय से होकर निकलती है। और अनेकानी तीर्थ स्थानी हिमालय क्षेत्रे वर्तन्ते, और अनेकों तीर्थ स्थान भी हिमालय क्षेत्र में हैं। वस्तुतः हिमालय तपोभूमि अस्ति, और वास्तव में कहें तो हिमालय जो है एक तपोभूमि है, जहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की थी हिमालय पर, तो वो एक तपोभूमि है, तप करने की भूमि, तप जहाँ किया गया वो स्थान है, पवित्र है हिमालय। पुरा अनेका जना तत्र और तपः कदत्वंत, बहुत पुराने प्राचीन काल में बहुत से लोगों ने, जना महा ऋषियों ने, मुनियों ने यहाँ पर जो है तप किया, कहाँ पर, हिमालय में कदत्वंत किया, और अत्रस्य वातावरणम मनोहरम और शांतम चित्ताकर्षकम च भवति, और यहाँ का हिमालय का वातावरण जो है हिमालय पर्वत पर बहुत ही शांत है। अब हिमालय पर ज़्यादा लोग तो पहुंच नहीं पाते हैं, निर्जन में है वहाँ, जन नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ बहुत ही मनोहर लगता है, मन को हरने वाला, मनोहर का मतलब है,
और शांत है और चित्ताकर्षक च भवति, और चित्त को आकर्षित करता है। जब हिमालय बर्फ से ढका हुआ सोचो इतना अच्छा लगता है वहाँ पर हिमालय पर्वत, जो चित्त को आकर्षित करता है, मन को खुश करने वाला हिमालय पर्वत। हिमालय से विधिना विविधा और वनस्पतयः औषधि निर्माणे उपकारकाः सन्ति। और ये हिमालय जो पहाड़ है पर्वत, वहाँ पर अनेकों प्रकार की औषधियाँ निर्माण होती हैं, निर्माण होता है औषधियों का, और उपकारकाः सन्ति। औषधियों से क्या होता है, औषधियों से हमारा जो है उपकार होता है, उपकार माने हमारे निरोगी होते हैं, रोग दूर होते हैं। तो ऐसी औषधियाँ भी विभिन्न प्रकार की कहाँ पर हैं, हिमालय में हैं। और है तत्र दुर्लभा रत्नानि मिलयन्ति, और हिमालय पर्वत पर बहुत दुर्लभ, दुर्लभ क्या है, जो आसानी से नहीं मिल सकते, ऐसे रत्नानि मिलयन्ति, रत्न भी वहाँ पर हैं। और बहुमूल्यम काष्ठम च तत्र प्राप्यते, और बहुमूल्य बहुत ही प्रकार के, अनेकों प्रकार के काष्ठम च तत्र प्राप्यते। काष्ठम माने होती है लकड़ी, बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही अच्छी, अनेकों प्रकार की काष्ठ लकड़ी च तत्र वहाँ पर प्राप्यते, प्राप्त होती है। और हिमालय क्षेत्र बहूनि मंदिराणि सन्ति, हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, और प्रतिवर्ष भक्ताः और श्रद्धालवः पर्यटनशीला जनाः मंदिरेषु अर्चनां कुर्वन्ति, और वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं हिमालय में, तो उनमें हिमालय क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, और प्रतिवर्ष वहाँ पर भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटनशीला हैं, पर्यटन स्थल हैं, और जनाश्चा मतलब बहुत सारे लोग उन मंदिरों में अर्चना करने, पूजा करने के लिए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य लाभों की प्राप्तवंती प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात देखिए बच्चों, अश्य हिमालय से महत्व अत्यधिक दृष्टिया, इस तरह से हमने देखा कि हिमालय पर्वत का महत्व, आध्यात्मिक महत्व देखकर पर्यावरण दृष्टि से भी भारत, यानी भारत में रक्षा दृष्टि से भी बहुत अधिक है। पर्यावरण की दृष्टि से मतलब वहाँ पे शुद्ध वातावरण मैंने बताया, तो पर्यावरण शुद्ध वातावरण से, और बहुत प्रकार की वहाँ औषधियाँ हैं, और लकड़ी भी बहुत विशेष प्रकार की होती है, और पर्यावरण को देखकर भारत में रक्षा दृष्टिया चाप भी बरतते, और रक्षा की दृष्टि से भी हिमालय का अत्यधिक महत्व है। अतः अयम पर्वतराज हिमालय अस्माकं गौरव अस्ति। अतः इस प्रकार हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि पर्वतराज हिमालय जो है अस्माकं, माने हम सब के लिए एक गौरव है, हमारा पर्वतराज हिमालय एक गौरवपूर्ण उसका स्थान है। ओके।